मेकअप स्टार्ट करने तो पहला सब तो पहला मैं लगा रही हूँ अपने फेस से आइस, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। इस तरह आइस लगाने देना जो मेकअप है लंबे समय तक टिका रहेगा। एंड दूसरा जो आप टोनिंग अप्लाई करते हैं अपने फेस से, सो आप टोनर की जगह पर भी इस तरह आइस न अपने फेस से लगा सकते हैं, ये भी एक टोनर का ही काम करती है। उस तो बाद मैं ले रही हाँ योर मॉइस्चराइजर, अफोर्डेबल भी है, इसको लैके चंगी तरह अपने फेस से अप्लाई कर लवेंगे। सो मेकअप तो पहला स्किन मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर तो बाद अगला स्टेप है प्राइमर का। प्राइमर ले मैं एनवाईवे का प्राइमर ले रही हाँ, बस थोड़ा जहा प्राइमर लवेंगे तो इसमें अपने जिते ओपन पोर्स हैं नोज से नोज के राउंड लगावे, तो प्राइमर आप हल्का हल्का प्रेस करके ही लगावे। जिस तरह आप क्रीम अप्लाई करते हैं उस तरह नहीं अप्लाई करा, क्योंकि इस तरह ये अपने फेस के सिर्फ उपर ही लग जाएगा। सो इस तरह प्रेस करके आप अपने ओपन पोर्स प्राइमर ना फिल करने हैं। इस तो बाद अपने फेस से जिते मैं अपनी अनइवन स्किन लग रही है उत्थे मैं इसको करैक्ट करांगी। करैक्ट अप्लाई करके तो स्किट विच ऑरेंज कलर नू अप्लाई कर लवांगी। सब तो पहला मैं डार्क सर्कल ते अप्लाई करांगी आई दे नीचे, तो इस तरह प्रेस करके अप्लाई करना है। तो नोज़ राउंड जिते कि मेरे थोड़े पिंपल दे मार्क हैं या थोड़ी अनइवन स्किन है, थोड़ा डार्क पार्ट है लिप्स से राउंड, उत्थे इस तरह मैं अप्लाई कर लवांगी इस ऑरेंज कलर नू अपनी स्किन नू करैक्ट करन दे लई। इस तो बाद ब्यूटी ब्लेंडर लैके इस नू ब्लेंड कर लेना है, जिसे ते आपां अप्लाई किया है ऑरेंज करैक्टर, इस नू आपां चंगी तरह ब्लेंड कर लेना है। तो उस तो बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करांगे। फाउंडेशन लई मैं लै रही हाँ लैकमे का लिक्विड परफेक्टिंग फाउंडेशन। फाउंडेशन नू मैं हैंड ते लै लवांगी, इस तो बाद मिक्स करके चंगी तरह अपने फेस से डॉट डॉट की तरह अप्लाई कर लवांगे। ये फाउंडेशन की कवरेज वैसे मीडियम है, पर इसनू आपां सैकंड बार भी अप्लाई कर सकते हैं अपने आई दे नीचे ते जिथे फेस दे आने वाले स्किन है उत्थे आपां सैकंड टाइम इसे अप्लाई कर लवेंगे तो यह बहुत वधिया कवरेज देगा। एंड फाउंडेशन ब्लेंड करन दे लई भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही लवेंगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो एक्सट्रा फाउंडेशन हुंदा है इसनू सोख लैंदा है ते अपने फाउंडेशन की कवरेज बहुत वधिया हुंदी है ब्यूटी ब्लेंडर नाल ब्लेंड करन ते। एंड फाउंडेशन सैट करन दे लई मैं लैकमे दा रेडियंस कंपैक्ट लै रही हाँ, तो आपां लूज पाउडर दे नाल भी सैट कर सकते हाँ। एंड आईब्रो सैट करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल ही ले रही हाँ, तो इस अपनी आईब्रो डार्क कर लवेंगी। एंड आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं इस पैलेट विचों पिंक कलर नू एक फ्लफी ब्रश से ले लवेंगी, तो इसमें सब तो पहला मैं अपने ट्रांजिशन कलर वजो अप्लाई कर लवेंगी। कलर नू बाहर तो अंदर वाल चंगी तरह इस तरह ब्लेंड कर लेना है। इस तो जो डार्क पिंक कलर है उसनों मैं एक ब्रश से लैके अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई करांगी। जो एक्स्ट्रा कलर उसे रिमूव कर देवे तो आई कॉर्नर से डिपोजिट करके अंदर तो बार बार नू चंगी तरह ब्लेंड कर लवेंगे। तीसरा कलर अप्लाई करने के लिए मैं एक होर पैलेट विचों ये वाला गोल्डन कलर स्पंज ब्रश से ले लवेंगी, तो इसमें अपनी आईलेट से जो आई का पार्ट रह गया है उससे इस तरह अप्लाई कर लवेंगी। प्रेस करके क्रीज लाइन तो नीचे जो आई का पार्ट बच गया है उससे मैं ये वाला गोल्डन कलर अप्लाई करांगी। एंड क्रीज विच कलर लैके मैं इसनू ब्लेंड कर लवेंगी। एंड इस गोल्डन शिमर नू मैं अपने फिंगर ते ही ले लवांगी, तो अपनी आई दे सेंटर विच ही सिर्फ अप्लाई करना है, जिथे आपां गोल्डन कलर अप्लाई किया है उहदे सेंटर विच मैं इस गोल्डन ग्लिटर नू अप्लाई कर लवांगी। आईशैडो कंप्लीट होने तो बाद मैं एले 18 डर्मा काजल नू अपनी लोअर बॉर्डर लाइन ते अप्लाई कर रही हाँ। एंड आई लुक कंप्लीट करन दे लई मैं अप्लाई करांगी मस्कारा। ए आई कैट का फैशन कलर का मस्कारा है, इतने मैं कोई आईलाइनर अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि मैं ग्लिटर अप्लाई किया है, सो कला मस्कारा ही अप्लाई करांगे तो अपना आई मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। एंड जो बाकी फेस मेकअप रह गया उसको कंप्लीट करांगे। तो ब्लशर के लिए मैं इस पैलेट विचों ब्लशर लै रही हाँ, टू शेड हैं। ब्लशर में इस तरह राउंड राउंड ब्लेंड करने तो बाद आईब्रो बाल ब्लेंड कर देवांगे। एंड हाईलाइटिंग लिए मैं इस पैलेट विचों गोल्डन हाईलाइटर लै रही हाँ, क्योंकि गोल्डन मेरी ड्रेस के विच है, सो मैं गोल्डन हाईलाइट अप्लाई कर रही हाँ। तो इस बार नोज़ से अप्लाई करांगे हाईलाइटर, तो थोड़ा जिहा ठोडी ते आंदा अपने लिप्स के उपर मत्थे दे सेंटर विच अपनी आईब्रो के नीचे अते आई कॉर्नर के विच भी हाईलाइटर अप्लाई करांगे, तो मैं फिंगर के नाल ही अप्लाई कर रही हाँ। एंड लिपस्टिक लगाने तो पहला मैं लिप लाइनर नाल आउटलाइन कर लवांगी, तो उस तो बाद ही लिपस्टिक अप्लाई करा, क्योंकि इस तरह बहुत वधिया शेप आती है अपनी लिपस्टिक की। एंड लिपस्टिक लिए मैं ले रही हाँ इनसाइड द नॉन ट्रांसफर लिप कलर, तो लिपस्टिक
स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सो इसका कलर भी बहुत बढ़िया है एंड अफोर्डेबल भी है, सिर्फ 90 रुपी के लिपस्टिक आप ले सकते हैं। एंड मेकअप कंप्लीट होने तो बाद आप अपने ड्रेस अकॉर्डिंग कोई भी बैंगल्स पा सकते हैं। इतने मैं गोल्डन कलर की बैंगल्स पा रही हूँ जो मैं ड्रेस ने मैच कर दिया हैं। एंड एयरिंग के लिए मैं ये वाली गोल्डन एयरिंग ही लै रही हाँ। एंड मेकअप लुक हो गई है कंप्लीट। तुम मेकअप लुक देख सकते हो किसी भी पार्टी फंक्शन मैरिज जाते आप इस तरह का मेकअप कर सकते हाँ। अगर आप पिंक ड्रेस पाई है एंड गोल्डन कलर का मेकअप करना चाहते हैं, आई मेकअप तो इस तरह का आप गोल्डन आई मेकअप कर सकते हैं ग्लिटर लगा के। सो इस तरह यह बहुत ईजी तरीके आप ग्लिटर आई मेकअप कर सकते हाँ। एंड एंगेजमेंट फंक्शन पर भी आप गाउन के नाल इस तरह का मेकअप कर सकते हाँ, बहुत ही ईजी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड मेकअप लुक अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक यू।